नमस्कार नडिया, और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। एक बार फिर से बिहार के मौसम में बदलाव होने वाला है। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और मौसम विभाग की माने तो 1 फरवरी से जो है मौसम में बदलाव हो सकते हैं, ठंड बढ़ सकता है। और मौसम वैज्ञानिकों ने साफ साफ कहा है कि 31 जनवरी तक जो है बूंदाबांदी होने की भी आशंका जताई गई है। वहीं 1 फरवरी से जो है मौसम में बदलाव होगा, पारा तेजी से लुढ़केगा। जो स्थिति है वो 4 दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी। हालांकि बता दें कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य है, लोग जो ठंड से हैं वो राहत मिल रहा है लोगों को, और ऐसे में जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पे जो पारा है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिन के समय मौसम सामान्य रहने से, धूप निकलने की वजह से रात में भी लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन वही बात कर लें कि मौसम में बदलाव की, तो 1 फरवरी से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि फिर से एक बार जो मौसम में बदलाव होने की आशंका जताई गई है। और जब मौसम में बदलाव होगा तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पारा जो है वो गिरने के आसार दिखाए गए हैं। वही बता दें कि लगातार जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसमें गर्मी भी बढ़ती जा रही है, धूप निकलने की वजह से धीरे धीरे ठंड का असर भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। वही बता दें कि माघ पूर्णिमा यानी 5 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और पारा ऊपर चढ़ने लगेगा। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जो है इस साल का न्यूनतम तापमान जो पिछले सालों की तुलना में कमजोर रहा है, और इसके कारण इस बार ठंड अधिक पड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर कहा है कि इस साल मॉनसून कमज़ोर होता है, और उस दौरान कोल्ड डे और कोल्ड वेव के इवेंट ज़्यादा होते हैं। ऐसे में 31 जनवरी तक मौसम विभाग के अनुसार बूंदाबांदी होने की आशंका भी जताई गई है। इसके साथ जो 1 फरवरी से जो मौसम में बदलाव होंगे, ठंड बढ़ सकता है, और 4 से 5 डिग्री तक जो पारा है वो गिरने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा बात कर ले ठंड की, तो ठंड ज़्यादा बढ़ेगी और बारिश के कारण आसमान साफ होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, और ये लगातार जारी रहेगा। सीधे तौर पे बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि ठंड का मौसम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। प्रदेश में कुछ हद तक पॉल्यूशन भी घटा है। ऐसी स्थिति में राज्य भर में अब घना कोहरा रहने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्का और मध्यम दर्जी का कोहरा रह सकता है। ये इतना घना नहीं होगा और इसका असर जो है ट्रेन और विमान सेवा पर नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें कि इसका जो असर है वो ट्रेन और विमानों के परिचालन पर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही फसलों की अगर बात कर ले तो फसलों को भी इस तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2 से 3 फरवरी के आसपास राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इसके अलावा बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी पटना की न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते दिन यानी शुक्रवार को पटना का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो ठंड है वो ज़्यादा पड़ा और राज्य के लोगों पर इसका असर भी देखने को मिला। वहीं कई बीमारियों का खतरा भी इस ठंड में बढ़ चुका था। और आपको बता दें कि इस ठंड की वजह से हार्ट के पेशेंट पर ज़्यादा असर देखने को मिला। वहीं जो मरीज है स्ट्रोक के, उनका भी जो तादाद है वो भी बढ़ने लगा था। अस्पतालों में बेड की कमी भी पड़ गई थी। तो वहीं बता दें कि लगातार अब तापमान में बदलाव भी होने शुरू हो चुके हैं, जिसमें बिहार वासियों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है। लेकिन जो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है और 1 फरवरी से मौसम में बदलाव होने की आशंका जताई गई है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।